hello everyone i am vikas kumar and i welcome you once again to cds academia youtube channel and guys in this video today we are going to discuss the strategy of science i have been uh, getting a lot of comments from you people and a lot of text on instagram sir please make a video for science and also for geography so today i am making a video for science and trust me guys just like uh, the previous videos in this video you are going to get a lot more good content than anywhere else so in this video basically we are going to discuss the best strategy to approach science बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ सब्जेट जो बहुत सारे लोग फियरफुल कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं छोड़कर जाते हैं तो फिर आकर के रोते हैं उनके मगर मच्छ का आंसू निकलते हैं फिर कि मैं फेल हो गया मम्मी मेहनत तो बहुत की थी लेकिन मेहनत करनी थी जहां वहां नहीं की थी मेहनत सो टूडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ एंड वॉट वी शुड परफेक्टली स्टडी इन साइंस एंड वॉट दिस वीडियो इन दिस वीडियो आई हैव डिजाइंड दिस वीडियो फॉर यू पीपल इन सच अ वे इसमें मैं जो जो सब टॉपिक्स बताऊंगा ना पीपल जस्ट कम दे जस्ट से दीज आर दॉपिक्स Which you should study in science. Okay, Tata Bye bye. This is the strategy of your science. This is not going to be that video, like those videos. In this videos sir, what is special? Then there are a lot of things which you will find special in this video. So I'm not telling you now. So let's, create, uh, let's keep it a secret and reveal it yourself. So let's start discussing. So, what we exactly discuss in this video, what we are going to discuss in this video is that first and foremost, thing exact book list. Many people just fail.

साइंस खबर ऑलमोस्ट थर्टी क्वेश्चन थर्टी क्वेश्चन को देखो परसेंटेज लगाओ सिंपल इंटू फोर इज यूर वन ट्वेंटी क्वेश्चन क्वेश्चन पच्चीस परसेंट क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ साइंस से आते हैं और आप सोचते हो कि बिना साइंस के पेपर पार हो जाएगा तो यू आर नॉट गोइंग राइट डायरेक्शन सो वाई पीपल डोट स्टडी साइंस या तो वो बेखबर है गाना गाते हैं वो बेखबर हो बेखबर ठीक है समझ ही नहीं है उनको कि भाई साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है उनको पता ही नहीं है पच्चीस परसेंट जो है पोर्शन आपका साइंस कवर कर रही है दूसरा होता है डर कि सर मैं तो आर्ट का हूं मैं तो कॉमर्स का हूं सर मेरे लिए तो साइंस इज लाइक के मतलब सर मेरे बस का नहीं है तो इन दोनों परेशानियों को आज दूर किया जाएगा इन दोनों की आज दवाई दी जाएगी ठीक है बोथ दीज डिजीजेस आर गोइंग टू बी क्योर ठीक है तो बेखबर जो लोग हैं उनको पहले डिटेल बताई जाएगी कि भाई साइंस पढ़नी क्यों है और जिनको डर है उनको बताया जाएगा कि डरने की जरूरत नहीं है बिकॉज जस्ट रिमेंबर गाइस साइंस इज कूल यहां इमोजी लगा दो चश्मे वाली ठीक है साइंस इज रियली कूल जब आप साइंस पढ़ लोगे ना तो आफ्टर दिस वीडियो बेखबर और बेखबर से आप सीधे बेख्याली गाने लगोगे फॉर साइंस सो नाउ लेट स्टार्ट हाउ मेनी क्वेश्चन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइंस पोर्शन देन थर्टी क्वेश्चन ठीक है इन द लास्ट प्रीवियस पेपर्स दो दो पेपर जो है आपके उनके अगर मैं बात करूं तो थर्टी क्वेश्चन साइंस एंड वॉट इज बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन सर अब यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा कि सर कहां से ज्यादा आते हैं क्वेश्चन कौन सी सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें सर बायो पढ़ के चले जाएं बस केमिस्ट्री छोड़ दें सर फिजिक्स बहुत टफ है केमिस्ट्री बायो पढ़ के चले जाए ना नो no. क्यों सर क्योंकि देख लो सब कुछ आपके सामने है डी एस टू टू थाउजेंड ट्वेंटी और ये कोई मैं आपको ऐसे कहीं वेबसाइट से उठा के नहीं बता रहा हूं दोनों पेपर आंखों के सामने रखे हैं, उनसे कैलकुलेट करके बता रहा हूं खुद इस टाइम पर हमने देखा बायोलॉजी से थोड़े कम क्वेश्चन आए एक दो पहले बायोलॉजी से ज्यादा आते थे तो अ प्रॉब्लम इट्स टू यूपीएससी इट्स टू द एक्र वॉट हिन्ट टू आस्कस वन ट्वेंटी ट्वेंटी देखने को मिलेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री से, से आएंगे आपके ट्वेल्व क्वेश्चन

मतलब सब सबसे कम पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स में और इक्वल वेटेज कैरी कर रही है बायोलॉजी में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री में भी उतना ही पढ़ना पड़ेगा सो हेयर यू कैन सी हाउ यू कैन स्टेडाइज योर सेल्फ अबाउट द बुक लिस्ट आई आई विल बी एवरीथिंग इन दिस वीडियो शुड भी नाइन्थ एंड टेंथ एन सी आर टी सर पांच फाइंड पढ़े ठीक है सर इलेवन ट्वेल्थ भी पढ़ लें सब बता है इलेवन ट्वेल्थ तो पढ़ना ही नहीं है और ट्वेल्थ में क्या पढ़ना है वो सब बता रखा है मैंने इस वीडियो में तो आज के बाद ना कहीं से सुनना ठीक है इस बात को दिमाग से निकाल देना आज के बाद सारे डाउट्स क्लियर के ट्वेल्थ में भी पढ़ना है तो क्या पढ़ना है लूसेंट से पढ़ना है तो क्या पढ़ना है और सचिन भस्के से पढ़ना है तो क्या पढ़ना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी तीस क्वेश्चन आपके इस बार नाइन्थ और टेंथ से थे तो सबसे पहली बात आप समझ लो यानी कि एट्टी परसेंट क्वेश्चन तो आपके आने वाले हैं नाइन्थ एंड टेंटी से तो इसको तो बस मतलब सपने से लेके हर जगह एकदम ऐसे दिमाग में बिठा लो जैसे किसी जमाने में किसी को बिठा करके रखते थे अभी भी रखते हो डिपेंड्स ऑन यू तो जनरल साइंस बाई सचिन भस्के You can read it. Why I suggest this book? Because this book is uh, a bit interesting. The way things are given in this book, they are quite interesting. You will love reading this book. And all you can do from the new central. So, what to do? Let's discuss. Now, guys, let's come to the biology, a subject which is going to give you ten questions or even nine. Let uh, let's just assume ten. Ten questions are coming from biology are going to come in biology in your CDS 2 2021 examination. First topic: What you should read is cell. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल सेल के अंदर सर क्या पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ सेल कौन डिस्कवर किया रॉबर्ट का क्या रोल था इसके अंदर? रॉबर्ट हुक का रोल क्या था ठीक है? और ने प्रोटोप्लाज्म दिया. पेज ऑफ दिस चैप्टर ऑन द लेफ्टन रीड इट फ्रॉम दियर देन यू हैव टू अंडरस्टैंड अब्लाज्मा इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल आउटरमोस्ट कवरिंग होती है प्लाज्मा थ्रू डिफ्यूजन होता है प्लाज्मा थ्रू osmosis होता है रीड about these things. एंड ऑल्सो हाइपरटोनिक टिल थिंग्स आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो ठीक है मैं ऐसे भी लिख करके जा सकता था सीधे सेल पढ़ लो इसके बाद फलाना पढ़ लो एक ही स्लाइड में सब खत्म था ठीक है और आप लोगों को बहुत मजा भी आता वीडियो अभी देख लेते हैं खोल के बट ट्रस्ट मी my efforts are for those people who really want to study or who really want to clear the exam by following the perfect strategy not by shortcuts and all so i will take my time so i want you people to be serious and to follow the full strategies and don't fall for the 10 to 12 minute videos now coming to the nucleus now you will be learning about the nucleus nucleus chandra, chromosomes dna genes what are these ठीक है न्यूक्लियस पढ़ने के बाद यू विल अंडरस्टैंड आर एंड एंडियोर्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिकीन साइटोलोप्लाज इज द लिक्विड मटेरियल व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द साइड एंड बिटवीन द सेल ऑर्गेनल्स ऑफ योर सेल देन यू विल बी लर्निंग अबाउट सेल ऑर्गेनल्स सेल ऑर्गेनल्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा प्लास्टिड्स आ जाएंगे आपके माइक्रोकॉन्ड्रिया हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेगा राइबोसोम लाइसोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सॉफ्ट endoplasmic reticulum okay all these things you are going to study in the first chapter cell and at least two questions minimum two questions i am telling you you are going to see in your examination and all will be direct questions from your ncrt now coming to the second chapter second chapter you will be learning about tissues in tissues first you will be learning about the plant tissues there are a lot of plant tissues okay meristematic tissue

है चाहे वो वॉल के ऊपर पूछ ले के कायमा जो है बना होता है प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी कौन सा टिश्यू प्रोवाइड करता है या ये पूछ ले ठीक है कि जो जस्ट बिलो द एपिडर्मिस कौन सा प्रेजेंट होता है सो ऑल क्वेश्चंस आर द क्वेश्चंस आर प्रेडिक्टेड यू जस्ट नीड टू रीड द बुक एंड टू रिमेंबर द थिंग्स एंड टू मेक नोट्स एंड

एंड देन स्पेशली रीड अबाउट रेगुलर एंड एडिपोस्ट बिकॉज पिछले कुछ टाइम से इन पर क्वेश्चन नहीं आया सो वेरी हाई प्रोबिलिटी दिस टाइम क्वेश्चन कैन बस्ट फ्रॉम रेगुलर एंड एडिपोस्ट इश्यू नेक्स्ट यू विल भी लर्निंग अबाउट मस्कुलर टिश्यू खोल कर देख लो प्रीवियस ईयर पेपर ठीक है जस्ट प्रीवियस ईयर सीडीएस वन ट्वेंटी ट्वेंटी वन उसमें मसल सेल्स के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन

The respiratory system of the humans also, okay role of alveoli and all, then transportation, okay how transportation is done inside the body of humans and inside the also uh, inside plants. kaise hota transportation here you will be learning about your heart, wahi dil ठीक है जो आप किसी को दे चुके हो पहले उस दिल के बारे में पढोगे ऐसे बनाते हो ना तीर, love is life, ठीक है तो love is not life, a healthy heart is life, healthy heart is life, ठीक है तो पहले heart के बारे में पढो, फिर उसको खुशी रखो, तबाह मत करो तो ट्रांसपोर्टेशन में आप हाथ के बारे में पढ़ोगे हार्ट के बारे में सारी चीजें पढ़नी है वेंस क्या है सारी चीजें क्या है वेंस का फंक्शन क्या है आर्टरीज का फंक्शन क्या है क्या कर रहा है कौन ब्लड लेकर के आ रहा है कहां से ब्लड जा रहा है एनसीआर टी सफिशियंट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक कुछ लोग क्या करते हैं सर यहां समझ नहीं आ रहा कोई दूसरी बुक उठाते हैं अरे मुर्दो बुक को तमीज से तीन बार रीड करके तो देखो लाइन बाय लाइन एनसीआरटी की एक एक लाइन में ना क्वेश्चन छुपे हैं क्वेश्चन छुपे हैं देन यू विल बी लर्निंग अबाउट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स

आने वाली जिंदगी में हाथ लगाने लायक नहीं रहेगा तो हाउ योर ब्रेन फंक्शन सो हेयर यू विल लर्न द फंक्शन ऑफ नर्व सेल नर्व सेल बेसिकली द सेल इन्फॉर्मेशन कैरिंग द इन्फॉर्मेशन ठीक है कैरिंग द इनफॉर्मेशन टू योर ब्रेन एंड फिर ब्रेन से इन्फॉर्मेशन लेकर के आता है मसल सेल्स को देता है एंड बेसिकली दिस थिंग इन स्पाइनल कॉर्ड सो अबाउट दैट ह्यूमन ब्रेन के बारे में आप पढ़ोगे ह्यूमन ब्रेन के तीनों पार्ट पढ़ने आपको ठीक है मिड ब्रेन हिंड ब्रेन फोर्थ ब्रेन तीनों के तीनों पार्ट हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक इन योर एग्जामिनेशन कौन पोस्टर मेंटेन करता है दारू पी के इधर उधर हिल जाते हो ना सीधी लाइन पर चल करके दिखा आपके दोस्त ने बोला होगा कॉलेज में आपने बोला होगा नशे नहीं हुए तो उसने बोला होगा सीधी लाइन पर के दिखा तो फिर आपने ऐसी चाल चली होगी कि सितारे बना दिए होंगे रोड पर तो वो कौन सी चीज को इफेक्ट करता है के लिए कौन सा पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है सो ऑल दीज थिंगशन ट्रोपिज्म पेड़ जो है हमेशा लाइट की तरफ क्यों भगता है जड़ जो है प्लांट की वो हमेशा नीचे क्यों जाती है ऐसा क्यों नहीं है जड़ जो है निकल के ऊपर आए ठीक है ऊपर आए कभी ऐसा क्यों नहीं होता है तो वाई दिसम्स इन प्लांट हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक पिछली बार साइटोकाइनिन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था देर आर द प्लांट हार्मोन प्लांट के तो चार ही हार्मोन है और चार में से चार हार्मोन पढ़ के क्वेश्चन आ जाए तो क्या गाइस एंड साइंस इज देन एनिमल हॉर्मोन क्या करता है ठीक है किसकी कमी से हो रहा है टेस्ट एस्ट्रोजन कैसे रिलीज हो रहा है एस्ट्रोजन कैसे रिलीज हो रहा है कहां से रिलीज हो रहा है वॉट इज द फंक्शन ऑफ दो हार्मो देन यू विल बी लर्निंग अबाउट रिप्रोडक्शन नाउ दिस इज अ टॉपिक रिप्रोडक्शन विच इज वेरी वेरी इजी है यू विल लर्न अबाउट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज बेसिकली असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वर सेक्सुअल इंटरकोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड देन यू विल लर्न अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अगेन देन यू विल लर्न अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट प्लांट्स का मत छोड़ देना वो जो फूल बनाते थे ना ऐसे सुंदर सा के दो ये पत्तियां बना दी

तो विद दिस चैप्टर फ्रॉम योर एन यू विल बी सप्लीमेंटिंग दिस चैप्टर फ्रॉम एनी बुक एंड आई विल रिकमेंड सचिन डिजीजेस पार्ट ठीक है फर्स्टली डू एवरीथिंग थिंग विच इज गिवन इन एनसीआर क्योंकि पिछले दो तीन एग्जाम से, से बात तो कुछ पूछा ही नहीं इन्होंने बट इट इज अ टॉपिक जहां आप डिजीजेस के बारे में पढ़ लेना वॉट आर नॉट गिवन इन योर एनसीआर टी वॉट आर दिटामिन और उनके जो है उनकी कमी से कौन कौन सी डिजीज होती है कि विटामिन सी विटामिन बी एंड ऑल दीज बी लर्निंग फ्रॉम एनी एक्सटर्नल बुक और फ्रॉम गूगल गूगलो ठीक है सो बेसिकली डिजीजेस के पोलियो का वायरस कौन है कैंसर का क्या है कैंसर की जो ट्रीटमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं सो सो ऑल थिंग्स यू विल फाइंड इन सचिन सप्लीमेंट दिस चैप्टर फ्रॉम देयर फ्राम देअर ओनलीस एजेंट डिजीजेस उनके इनफेक्शियस एजेंट्स एंड द ट्रीटमेंट ऑफ दी डिजीजेस रीड इट फ्रॉम सचिन एंड बस्केल्सो कवर एंड डिजीजेस नाउ कमिंग नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वन क्वेश्चन एवरी ईयर

ठीक है कि मल्टीपल कॉपिंग क्या होती है इंटर कॉपिंग क्या होती है, kind of so है कि भाई अगर इतना भी कर लोगे ना तो तुम्हें खुद पर भरोसा ना हो बट आई ट्रस्ट यू की यू विली यू विल ईजिली बी एबल टू डू सेवन टू एट क्वेश्चन और टेन ईजिली और किसी किसी के दस भी होंगे देखना जो थोड़ा अच्छे से पड़ेगा ठीक है तो एक दो क्वेश्चन मिस कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बट सेवन टू एट क्वेश्चन केमिस्ट्री ठीक है हमारी केमिस्ट्री है ये अब केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है सबसे पहले पढ़ो मैटर एंड सप्लीमेंट दिस चैप्टर फ्रॉम एक्सटर्नल रीडिंग एक्सटर्नल रीडिंग के अंदर क्या पढ़ोगे ठीक है थोड़ी सी सरफेस केमिस्ट्री पढ़ लेना चलो सरफेस केमिस्ट्री बाद में पढ़ना प्लास्टिसिटी

ठीक है बहुत फैंसी सी बुक लेकर के आऊंगा एंड दैट फैंसी सी बुक आपकी लुटिया डुबा देगी सो जस्ट ट्रस्ट मी स्टिक टू योर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर वेरी प्लास्टिस दो क्वेश्चन कहीं नहीं गए यहां से क्यों सर क्यों नहीं गए दिस चैप्टर कंटेन्स लॉट ऑफ मेटेरियल टू रीड ठीक है मिक्सचर्स एंड टाइप्स व्हाट आर मिक्सर्स वर योर विल बी लर्निंग दोन दे आर टू टाइप ऑफ मिक्सचर ठीक है होते हैं पढ़ो सब सब दिया है में आपके फिर सस्पेंशन क्या होते हैं सस्पेंशन होमोजीनियस होते हैं है. है? जो देखते कुछ और निकलते कुछ हो रहे हैं ठीक है बेसरम बेवाल वाले मतलब सर मतलब ये होमोजीनियस दिखाएंगे आपको होंगे हाइट्रोजीनियस देन कोलोइ्स के बारे में बहुत सारी चीज आपको पढ़नी है कि इमल्शन किसको बोलते हैं सोल किसको बोलते हैं सॉलिड सोल किसको बोलते हैं इट इज गिवन इन द टेबुलर फॉर्म इन योर एनसीईआरटी सो प्लीज रीड इट आउट देन यू विल बी लर्निंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफिकेशन जिससे आपकी मम्मी एकदम ऐसे गोल 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 घुमा के मक्खन निकाल लेती हैं वॉशिंग मशीन में आप कपड़ों को डाल के उनकी तबियत खराब कर देते हो ना घुमा घुमा के आपको ऐसे कभी घुमाए कोई तो मजा आ जाए ठीक है सब्लिमेशन देन यू विल बी लर्निंग अबाउट सब्लिमेशन व्हाट इज सब्लिमेशन कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो सब्लाइम कर जाते हैं आयोडीन ये सारी चीज आपको पढ़नी है कैम्फर ठीक है नेफ्थलीन इन पांच छह नाम आप याद करके रख लोगे तो उसमें से क्वेश्चन दे देगा जैसे पिछली से पिछली बार के पेपर में दिया था कि यू हैव अमोनियम क्लोराइड विद सॉल्ट हाउ यू विल सेपरेटेड अब हे पागल हो लोग दिमाग लगा रहे हैं इस क्वेश्चन में और यार अमोनियम क्लोराइड से सोल्ट ऐसा करते हैं माइक्रोस्कोप लेकर के आते हैं इसको बीन लेते हैं सोल्ट को यहां से ऑप्शन दे दिए उन्होंने भाई चार पांच

ठीक है जैसे आपका सोल्ट है कॉपर सल्फेट है फेरस सल्फेट है कितने जबरदस्त मस्त मस्त क्रिस्टल बन जाते हैं और क्रिस्टल्स के साथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से हर बार ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ फिजिकल और केमिकल चेंज दैट इज बोथ तो ऐसे तो कुछ चेंजेस हैं जहां एक्सेप्शन है वो याद कर लेना देन मूविंग अहेड देन योर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दिस इज इंपोर्टेंट टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट फॉर योर फर्दर फर्दर स्टडीज सर हाउ इट इज इंपोर्टेंट बिकॉज यू विल बी लर्निंग अबाउट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपको पता लगेगा फादर ऑफ केमिस्ट्री लॉज <coughs> <coughs> के एक शिष्य होंगे कौन जोसेफेल प्राउस्ट वो विल डिफाइन द ऑफ डेफिनेट प्रपोशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासड नॉट बीडिकल रियक्शन और यहां से आपकी मॉडर्न डे केमिस्ट्री की कहानी हो जाएगी शुरू नॉलेज दर ऑफ केमस्ट्री नाउ यू विली लर्निंग थोरी एक भाई साहब आएंगे आपके डेल्टन वो जो है लॉ इन दोनों लॉस को कंबाइन करके ही विल फॉर्म theory then you will have to learn about Dalton's atomic theory और यहाँ से इतना घटिया क्वेश्चन पिछली बार पूछ लिया गया था भाई सिंबल्स के बारे में पूछ लिया था कि सिंबल जो है सबसे पहले किसने दिए थे तो यही भाई साहब थे जिन्होंने ऐसे उल्टे सीधे ये मर्सिडीज़ जैसा फास्फोरस के लिए बनाया था पता नहीं क्या कग्नेचर इन्होंने बनाए थे ठीक है तो इससे बड़ा था कि हम सीधे नाम ही लिख लें तो यही भाई साहब थे इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया फालतू एटोमिक मासन लर्निंग वॉट इज एटोमिक मास आय

Model. क्या बैकिंग थी उसके मॉडल की और वो कैसे दूर करी बोर ने देन यू विर्निंग अबाउट इलेक्ट्रोन प्रोटोन्यूट्रोन एटमिक मस एंड मस नंबर एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली लर्न अब आइसोटोप डिफर टाइप ऑफ आइसोटोप गूल दिस टॉपिक अपार्ट फ्रॉम एनसीआर एंड फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोटोप कौन सा यूरेनियम जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है कौन सा यूरेनियनियम जो है वो आपके एनवायरमेंट में एब्रूडेंटली मिलता है कौन सा हाइड्रोजन का ऐसा जो आइसोटो है विच इज योर विच इज यूज इन योर न्यूक्लियर ठीक है क्वेश्चन ठीक है कि कौन सा है तो तीन आइसोटोप है आपके इस तरीके से आपको पढ़ना है कौन सा आयोडीन का जो है वो आइसोटोप है उसके बाद आप पढ़ोगे कौन साइंस विल बी आस्ट फ्रॉम यू पीपल ठीक है रॉकेट वॉकेट नहीं बनवाएंगे आपसे भाई रॉकेट उड़ा तो के दिखा दो हमें जरा मतलब स्पेस एक्स बना दो हमारे लिए कंपनी हमें भी चाहिए बहुत सारा पैसा ठीक है तो ऐसा नहीं करवाएंगे तो एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ना है देन मूविंग हैज वी विल बी लर्निंग अबाउट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस तो दिस इज अ वेरी वेरी इजी टॉपिक व्हाट यू नीड टू फोकस इन दिस होल चैप्टर इज फाइंड आउट द इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एप्लीकेबल एप्लीकेबल इक्वेशंस इन योर डेली लाइफ लाइक यहां पर टाइप्स तो आपको पढ़ने ही पड़ने हैं कि किसान कौन कौन से टाइप की इक्वेशन होती है कॉम्बिनेशन क्या है डिस्प्लेसमेंट क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है वहीं पे बीच बीच में आपको व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में क्या यूज हो रहा है उसके बीच में आपको ये बताया जाएगा कि व्हाइट वॉशिंग में जो यूज होता है आपका क्विक लाइम हाउ दैट इज प्रिपेयर हाउ क्विक लाइम फॉर्म्स अ लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन योर वॉल जब आप पेंट कर देते हो सो दैट क्वेश्चन इज हाईली एक्सपेक्टेड सो फ्रॉम दिस टॉपिक

केमिकल कंपाउंड का नाम याद रखना सोडियम बेन्जुएट इज यूज फॉर प्रिजर्विंग द मेटीरियल ऑल्सो लर्न अबाउट दैट नाइट्रोजन जो है वो आपकी लेस वगैरह की पैकेट में भरी जाती है तो ऐसे कुछ जो है फैक्ट्स आपको पढ़ने हैं देन अगेन इन करोजन करोजन में याद रखना आयरन के बारे में पढ़ो सिल्वर के बारे में पढ़ो सिल्वर ब्लैक क्यों हो जाता है मम्मी जो पायल लेकर के आती है उसे साबुन से क्यों किसती रहती है हर दस दिन बाद फाइंड आउट दिस थिंग ठीक है दिस क्वेश्चन इज आस्ट रिपीटेडली दो बार पिछले पेपरों में आपको पूछ लिया गया रिपीटेडली पूछा है कि भाई सिल्वर ब्लैक क्यों हो रहा है कॉपर जो है वो जो कॉपर के बर्तन जो मम्मी दहेज में लेकर के आई थी शादी में आज वो जो है हरे हरे क्यों दिखते हैं हरे राम हरे राम ठीक है दिस थिंग इज हैपनिंग सो यू विल फाइंड ऑल थिंग्स नेक्स्ट कमिंग टू योर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट इसको तो पकड़ो और खा जाओ ये भी तीन क्वेश्चन वाला टॉपिक है ठीक है एसिड बेसिस एंड सोल्टे मतलब एसिड वैसिड निखाने मतलब चैप्टर को पढ़ना है अच्छे से तो ऐसा भी मत करना मतलब केस करवा दो मेरे ऊपर एजुकेटर हु टोल्ड एसिड खा जाओ एचल खा के पता लगा फिर चल लिए तो नाउ कमिंग अहेड तो नाउ फर्स्टली यू लर्न अबाउट इंडिकेटर्स क्या हो रहा है इन द एसिडिक एंड बेसिक नेचुरल इंडिकेटर्स टर्मरिक जो है how that, how that changes, जब आप साबुन लगाते हो फिर ब्राउन क्यों हो जाता है ठीक है जब शादी में एकदम खाना गिरा करके आ जाते हो कोई सुंदर लड़की देखते देखते प्लेट अपने ऊपर गिरा ली तो ऐसी में क्या हो रहा है

मम्मी किचन में रखा था जिससे मम्मी छोले फैला देती है तीन सीट में ठीक है वो आपने रगड़ लिया रगड़ने के बाद देखा आपने अरे क्या बात है मतलब सूजा भी नहीं हूं मैं तो बढ़िया मजा आ गया मतलब चेहरा दिखा सकता हूं जा सकता हूं मैं दोस्तों से मिलने सो वाई इट इज हैपनिंग सो दैट इज बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ठीक है हियर व्हाट इज हैपनिंग व्हेन एसिड और बेस कंबाइन करेंगे तो पता है आपको सॉल्ट एंड वॉटर देन मेटलिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स मेटल ऑक्साइड जो है एसिडिक होती है बेसिक होती है व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड लर्न अबाउट दिस टॉपिक एनी टाइम एनी वेयर दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन वेरी डायरेक्टली

एंड एंड अगेन लर्न अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ ईच ंग ठीक है लर्न अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ ईच एंड एवरी थिंग छोड़ा ठीक है ब्लीचिंग पाउडर पीओपी जिप्सम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप जो है कभी भी हीट करते हो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को पहले दिख रहे थे ब्लू एकदम आज आंखों में चमक आ गई जैसे आपने हीट किया भग् ब्लू कलर कहां गया कहा गया ढूंढ के लाओ कहां गया क्योंकि जो CuSO4 के साथ जो डॉट फाइव एस टू होता है सो दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिस फाइव मॉलिक्यूल्स ऑफ Water, ये क्या करेंगे यही देते हैं कल सो so, कभी थिंग नाउ कमिंग टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में आप क्या पढ़ोगे सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज वन क्वेश्चन इज फ्रॉम यर कौन सा मेटल जो है विच एट रूम टेम्परेचर कौन सा नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम लिक्विडर कौन क्या है रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स ठीक है मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिएक्शन पढ़ोगे किसके साथ वॉटर के साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अलग शौक होंगे सबके मतलब सबके अलग शौक कोई ठंडे पानी से रिएक्ट करेगा कोई गर्म पानी से करेगा कोई स्टीम से करेगा कोई बोलेगा मैं कहीं नहीं था फिर एसिड्स के साथ रिएक्शन मेटल्स और नॉन मेटल्स के देन अदर मेटल सोल्ट ठीक है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एम्फोटेरिकाइड्स पीवाई क्यू लर्न वॉट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ठीक है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या है उनके एक्साम्पल्स देन लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज बिकॉज विदाउट दिस यू कैन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूरी रट लेनी है ऊपर से नीचे तक और रटना क्या है उसमें वो समझने वाली बात होती है अब तक इतनी केमिस्ट्री जो पीछे से सिद्धत पढ़ पड़का है उसको इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो चुटकियों में चुटकी दिमाग में आ जाएगी देन लर्न अबाउट आयोनिक आयोनिक हाउ आर आर द प्रॉपर्टीज ऑफ योर आयोनिक आयोनिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कर रहे हैं ठीक है सोल्यूबल है कि नहीं है वाटर में सोल्यूबल क्यों है बेंजिन में सोल्यूबल क्यों नहीं है ऑल दिस थिंग्स देन एक्सट्रेक्शन ऑफ मेटल हाई वोल्टेज फॉर सी डी एस टू टू थाउजेंड ट्वेंटी वन कैल्सिनेशन का है रोस्टिंग का है ठीक है कैसे आप अलग करते हो मेटल्स को हाउ मेटल्स ऑक्साइड से मेटल ऑक्साइड से कैसे मेटल में कन्वर्ट करते हो द हेल्प ऑफ कार्बन एंड बाई द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सो लर्न अबाउट दीज थिंग्स नाउ नेक्स्टली कमिंग टू कार्बन will be यू about लर्निंग are covalent आर what आर those प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एंड catenation. These टू properties आर responsible. ंग सो मेनी कंपाउंड ऑफ कार्बनर्न अबाउट एलोट्रॉप कार्बन विच इज डायमंडस्टर फ्लोरिन के बने हैं लेकिन सबके कारनामें अलग है देन लर्न अबाउट कैटिनेशन द प्रोपर्टी ऑफ द कार्बन बाय विच इट कैन फॉर्म अर्ज नंबर ऑफ चेंज इज नोन एज कैटिनेशन देन सैचुरेटेड एंड अनसेड कंपाउंड है जहां भी डबल बंड होगा वन सैचुरटेड चुरेटेड यह है वेजिटेबल ऑयल सेचुरटेड अनसेड है एनिमल फैट सैचुरटेड अनसे हाइड्रोजनेशन रियक्शन एंड मोस्ट इम्पोर्टलीज आर वेरी इम्पोर्ट कमपाउंड ऑफ योर कार्बन ये तो कितनी इंपॉर्टेंट आपको पता ही होगा ठीक है कुछ लोगों को <coughs> दौड़े पर जाते हैं नामे लेते हो कुछ दिन ठीक है और इथोनॉरिक एसिड के बारे में पढ़ोगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हाउ मे फॉर्मेशन एंड ऑल दीज थिंग्स नाउ योर केमिस्ट्री इज ओवर सब ट्वेल्थ से क्या पढ़ना है ट्वेल्थ से क्या पढ़ना है और जो सबसे ज्यादा सुनना होता है उन्होंने मजा आता है उन्हें बस पता होना चाहिए मतलब पढ़ना पढ़ना तो ठीक है पर हमें पता सब होना चाहिए मतलब हम जो है सबसे बड़े बाबा होने चाहिए वो जरूरी है चाहे हमारे पास ज्ञान हो या ना हो तो ट्वेल्थ एनसीआर में इसके पिछले का पढ़ के आओ सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जिसको नहीं पच रही है चीजें तो लर्न अबाउट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ड्रग्स एंड दिसन इन योर सचिन बस्केल्सो सो लर्न फ्रॉम देर यू विर्निंगाउट सरफेस केमिस्ट्री ठीक है एबजॉप्शन एड्सॉमल एंड ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम योर ट्वेल्थ सीआर टी आर टू चैप्टर्स इन योर ट्वेल्थ एनसीआर केमिस्ट्री बायोमालिकुलर्स यू कैन लर्न फ्रॉम देर बिकॉज क्वेश्चन बट फर्स्टली फिनिश दिलेबस फ्रॉम एनसीआर विच इज वेरी वेरी इजी इजी स्कोरिंग और लेस टाइम कंज्यूमिंग सब कुछ है इसके पास जितना टाइम फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी को देकर के आओगे इसको बिल्कुल भी उतना टाइम नहीं चाहिए क्यों पहले पढ़ोगे मोशन मोशन के अंदर पढ़ोगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन सर्कुलर मोशन फलाना डिंग देन यू विल लर्निंग अबाउट बेसिक टर्म्स लाइक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ठीक है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो लाइक like द क्वेश्चन विच इज गिवन जहां पे एक किसान होता है वो चल रहा है ठीक है और चलते 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 यहां पहुंच जाता है तो जो डायगोनली कैलकुलेट करते हैं सर ये क्या बोले जा रहे हैं जो एनसीआर पढ़ोगे जब समझ जाओगे सो यू कैन एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन देन स्पीड लर्न अबाउट वेलोसिटी लर्न अबाउट एक्सीलरेशन वेरी इंपॉर्टेंट लर्न अबाउट ग्राफ्स ग्राफ्स में क्या करना है ग्राफ्स बनाने नहीं है यू शुड नो क्या पता होना चाहिए बस कि सब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड शो कर रहा है अच्छा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो क्या दे रहा है डिस्प्लेसमेंट दे रहा है कैसे दे रहा है वो चीज समझो बस और कुछ नहीं और कुछ नहीं ठीक है और जो इंटेक्स क्वेश्चन है एनसीआरटी के विच आर गिवन इन योर एसीआर विच आर गिविन इन बिटवीन योर चैप्टर वो कर लेना बेस्ड ऑन द ग्राफ्स सो दट यू कैन है आइडिया की अगर टाइम एक्सेस का पैरल है तो रेस्ट पे है एक मूव कर रही है क्या कर रही है क्या नहीं है इक्वेशन ऑफ मोशन जस्ट लर्न अबाउट द इक्वेशन नो नीड फॉर एनी डेरिवेशन यू शुड लर्न वी रिक्वेस्ट एटी स्क्स टू एस करके कुछ चीजें पढ़ लेना देन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो कंटिन्यूअसली दोबारा है एक ही क्वेश्चन आता है यहां से जो पढ़ लेना जिन्होंने मेरे से पढ़ा है उनको तो पता ही है जिन्होंने नहीं पढ़ा बस इस टाइप के कहीं भी कोई गूगल पे दिखे कहीं भी दिखे कि भाई अगर सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट है तो इट्स वेलोसिटी डायरेक्शन इज चेंजिंग डायरेक्शन इज चेंजिंग तो वो जो है उसको एसिलेशन होगा वेलोसिटी टेंजेंशियल टू सर्कल होगी एसिलेशन इज परपेंडिकुलर पर हो जाएगा क्वेश्चन क्योंकि क्वेश्चन था कि बस एसिलेशन की डायरेक्शन क्या होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मोशन इज इज परपेंडिकुलर टू टू द वेलोसिटी नाउ कमिंग फोर्स एंड लॉज ऑफ दिस वेरी सिंपल मतलब मजाक में हो जाएगा तीनों लॉस पढ़ लेना मोशन की पहली लॉ क्या है एनर्जी क्या है सेकंड लॉ एफ इक्वल टू एम इका है उसके बाद तीसरी लॉ एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आपने सामने वाले को थप्पड़ मारा सामने वाले भी ने भी आपको मारा तो ये सब चीजें आपकी चलती रहती है देन लर्न अबाउट मोमेंटम एंड द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वेरी शॉर्ट टॉपिक ठीक है नाउ कमिंग टू ग्रेविटेशन वन क्वेश्चन एवरी ईयर

कि भाई एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कैसे हो रहा है वैल्यू ऑफ जी कैसे वेरी करती है अराउंड द अर्थ इक्वेटर पे ज्यादा है कि पोल्स पे ज्यादा है क्यों ज्यादा है क्यों नहीं ज्यादा है ये सब पढ़ना है उसके अलावा ये सारी चीजें जब पढ़ लोगे देन यू विल कम टू वेट एंड मास द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेट एंड और इस मासपे हर साल क्वेश्चन पूछते हैं <coughs> ठीक है एवरी ईयर आइदर फ्रॉम यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन और वेट एंड मासिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब पूरे चैप्टर में ला एक क्वेश्चन पूछना है कभी कभी दो तो एक क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेंगे और है ही क्वेश्चन पूछ लो कहीं से

मतलब प्रीवियस टू प्रीवियस पेपर पेपर आई गया वहां पर क्वेश्चन पूछा था भाई काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या आएगा अगर मोमेंटम को टू टाइम्स कर दें या वट एवर क्वेश्चन वॉज लाइक दिस सो क्वेश्चन लाइक दिस आर आज तो काइनेटिक क्या है हाफ एमवी स्क् एमवी इज वॉट मोमेंटम तो सिंपल सी बात है मास पे तो मोमेंटम डिपेंड नहीं करेगा वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा तो यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट की वैल्यू रखोगे स्क्वायर करोगे आंसर इज इन योर इन फ्रंट ऑफ योर यइस के इन में क्यों होगा इन फ्रंट में होगा देन पावर एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अच्छा नाउ ऑप्टिक्स थ्री क्वेश्चन ई वन फोर ईवन फाइव <laughs> इसकी कोई लिमिट नहीं है तीन चार पांच एवरी इतना ही चल लो अब ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स के के अंदर अंदर जब ये चीज पूछेंगे तो क्या बिकॉज दिस इज अ वेरी एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक रेनबो क्यों बन रहा है मैंने चिक चिख के बता दिया था रेनबो के अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है एक बार पढ़ के चले जाना पिछले पेपर से पहले बच्चों को सबने कर दिया हाँ सर हुआ था आया था प्रोडक्टेड क्वेश्चन आते हैं क्योंकि तो आपको डेली लाइफ फिनोमिनाज यहां पे ऑप्टिक्स में देखने को मिलेंगे लाइक

रियल टॉपिक यहां तक तो सब सिंपल लगेगा देन कम टू द रिफ्रक्शन वॉट इज रिफ्रेक्शन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उठा के देख लो पेपर यहां से ना क्वेश्चन पूछा गया तो बता देना मेरे को रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पर क्वेश्चन पूछेंगे बार बार पूछेंगे सिंपल फॉर्मुला भी पूछ लेते हैं क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं क्यों कंफ्यूज रहते हैं वो पढ़ना है आपको देन लर्न अबाउट इमेज फॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉन्केव अगेन कैसे इमेज बनती है ठीक है लेंस से आपके पहले मिरर पड़े नाउ वी आर लर्निंग अबाउट लेंस लेंस कैसे बनता है जब दो मिरर को आपस में मिला दो तो ये बन जाएगा आपका लेंस ठीक है अब लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोकल लेंथ पावर इज इक्वल टू वन फोकल लेंथ क्वेश्चन पूछा गया है इस प्रीवियस प्रीवियस टू पेपर क्वेश्चन उठा के देख लो बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है बस जिसको ये पता था कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ क्वेश्चन ऐसे कर दिया उसने ऐसे और जिसको नहीं पता था वो बस पंखे गिन रहा होगा कमरे में बैठ के देन लर्न अबाउट ह्यूमन आई देन कम्स योर डिफेक्ट्स ऑफ विजन हाइपरमेट्रोपिया ये सब जो मायोपिया वगैरह होते रहते हैं तो व्हाट आर डिफेक्ट्स ऑफ विजन हाउ वी कैन करेक्ट देम वाई देउ

ठीक है स्टार्स ट्विंकल क्यों कर रहे हैं ये सारी चीज आपको पढ़नी है देन लर्न अबाउट साउंड वन क्वेश्चन एवरी ईयर और इवन टू ठीक है प्रोपोगेशन हाउ साउंड इज प्रोपोगेशन ठीक है हाउ साउंड इज ट्रेवलिंग थ्रू द मीडियम लर्न अबाउट दिस थिंग्स कंप्रेशन एंड लर्न अबाउट द साउंड वेव्स वेव्स व्हाई साउंड आर खुद फाइंड आउट करो कि साउंड वेव्स कैसी वेव्स है मैकेनिकल वेव्स है कि नहीं है पहली चीज दूसरी चीज लॉन्गिट्यूनल है कि ट्रांसफर्स है लॉन्गिट्यूडनल है तो क्यों है ये सारी चीजें देन लर्न अबाउट फ्रीक्वेंसी व्हाट इज फ्रीक्वेंसी

ठीक है अपने आप सब चीजें इजी हो जाएंगी देन लर्न अबाउट वेवलेंथ स्पीड पिच और चीजेंटूड बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि आधी दुनिया कंफ्यूज रहती है इनमें पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ कंप्रेशन एंड एयर फ्रक्शन पर डिपेंड करेगा इतनी सी बात है ये दो लाइन जिसको समझ में आ जाएगी पूरा टॉपिक समझ में आ चुका है इको रिवर्बरेशन ठीक है आप जो है कभी खाली कमरे के अंदर बैठते हो तो एक ये बात जो है पचास पचास जगह शहर से घूंती हुई दिखाई देती है दैट इज नोन एज रिवर्बेशन एप्लीकेशन वट आर द एप्लीकेशन को बचाने के लिए क्या क्या हम करते हैं सिनेमा हॉल की सीलिंग एकदम ऐसे रेड रेड कार्पेट की सीलिंग को बन रही है नीचे भी रेड कार्पेट को बिछा रहे हैं शादी थोड़ी आपकी जो सिनेमा हॉल में आराम से मार्बल का बनाते सिनेमा हॉल क्यों बिछाते हैं वो तो दैट इज टू प्रिवेंट द रिवर्ब्रेशन इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स बहुत ज्यादा जरूरी है ट्वेंटी हट से नीचे की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इंफ्रासोनिक ट्वेंटी किलो हट से जो ऊपर है दैट इज अल्ट्रासोनिक ह्यूमन रेंज ऑफ हियरिंग इज बिटवीन इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक ये स्टेटमेंट भी आ सकता है एग्जाम में कि भाई द ऑडिबल रेंज ऑफ हियरिंग ऑफ ह्यूमन ह्यूम या तो सीधे पूछ 20 hertz to 20 पूछा हुआ एग्जाम में या इस, इस बार स्टेटमेंट में पूछ लेंगे कि बिटवीन द अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक तो आप समझ जाना बात वही है देन लर्न अबाउट सोनार एंड ह्यूमन ईयर आपका कान कैसे काम करता है कोकलिया का क्या फंक्शन है कान के अंदर देन कम टू द इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ो पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ बहुत सिंपल है पांच पांच मिनट का टॉपिक है देन लर्न अबाउट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं वो कि भाई रेजिस्टिविटी जो है उसको लोग रेजिस्टेंस समझ लेते हैं है? वो क्वांटिटी चेंज ही नहीं होती चाहे तुम तार को मोटा करो पतला करो ये करो वो करो तो लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं लोग उसको रेजिस्टेंस समझ लेते हैं फिर रेजिस्टेंस का फॉर्मुला लगा देते हैं एल अपॉन ए डायरेक्ट टू लेंथ टू ले तो बहुत छोटे छोटे डिफरेंस लर्न अबाउट यूर भाई साहब आपको सर्किट के अंदर बिना जो है पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया करंट इधर उधर करना हो क्या कुछ करना हो तो क्यों यूज करते हैं तो है? जो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो कौन से साइंटिस्ट से एसोसिएटेड है मतलब कौन से साइंटिस्ट ने बताया तो उसमें ऑप्शन ऐसा क्वेश्चन था ठीक है जिसको जिसने ये लाइन भी पढ़ ली होगी ना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ठीक है जूल्स ऑफ हीटिंग वो करके आ जाएगा उस क्वेश्चन को उ कम टू मैग्नेटिक फैक्स ऑफ इलेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है फील्ड लाइन को इंपॉर्टेंटली पढ़ना है वाइट फील्ड लाइन डजेंट इंटरसेक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करेंट कैरिंग कंडक्टर एंड सर्कुलर रूल यहाँ पे आप क्या पढ़ोगे राइट एंड थम रूल वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ना है आपको देन फ्लेमिंग्स लेफ्ट एंड रूल फ्लेमिंग्स राइट एंड रूल इन सबके एप्लीकेशन सोलिनॉइड क्या होता है ठीक है मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलिनइट की बाहर मैग्नेटेस क्यों दिखती है फोर्स ऑन करेंट कैरिंग कंडक्टर जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई करेंट कैरिंग कंडक्टर आता है उस पर फोर्स लगता है ये सब कुछ एकदम सिस्टमैटिकली पढ़ना है मोटर और जनरेटर के बारे में देन डोमेस्टिक सर्किट दिस इज द एडिशनल टॉपिक विच यू हैव टू कवर आउटसाइड योर एनसीआरटी फ्रॉम एनी फ्रॉम गूगल और यू नो कहां से करना है बस मेरे को ये चाहिए रेडियो वेब्स है ये है फलानी वेब्स टिमका वेब्स सब वेब्स की प्रॉपर्टीज कितने तरीके की वेब्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम गूगल पर डाल दोगे इट विल कम ऑटोमेटिकली यहां पे ये पता रहेगा कौन सी वेब की वेबलैन सबसे ज्यादा है कौन सी की है, कौन सी कम है ये है ये है ये सारी चीज आप कर लोगे एंड गाइज दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेटेजी ऑफ साइंस एंड आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस वीडियो सो रिमेंबर फॉलो दिस स्ट्रैटेजी यू विल नॉट फाइंड सच डिटेल स्ट्रेटी ऑन यू आई एम प्रोमिस यू आई एम प्रोमिसिंग यू एक स्लाइड में सारे टॉपिक लिखे मिलेंगे आपको वन टू थ्री फोर फाइव वेटेज नाइन क्वेश्चन खत्म जो मैंने आपको बताया है पेशेंस है जिसने सुना होगा एंड आई एम अश्योरिंग यू यू विल भी लर्निंग द थिंग्स इन अ ग्रेट मैनर एंड यू विल नॉट लीव एनी क्वेश्चन यू विल नॉट लीव एनी क्वेश्चन एग्जामिनेशन सो इसको स्लाइड को बनाने में तो बहुत टाइम भी लगा ठीक है काफी बड़ी भी है वीडियो मैंने सोचा पर्टिकुलर बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए दू बट देन आई थॉट के नो यू पीपल आर लर्निंग एट दिस स्टेज दिस्टेड एग्जामिनेशन इज कमिंग नियरर एंड नियर तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक ही वीडियो के अंदर कंबाइन करके दे सो इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन फॉलो द इंटाग्राम चैनल ऑल्सो एंड यू कैन वॉट्सएप मी इफ यू वॉन्ट टू नो मोर एनी थिंग अबाउट Upcoming batch or something. I'm planning to start a batch. So guys, it's all. So I hope you like this video. So please share it and like and comment me down if you need anything else or any suggestions. So guys, all the best. Bye bye. Take care. Jai